It usually happens with your festival is that the films clashes with some other film and even I with was Maidaan. waiting for this I was waiting for Yeah, wala so even pata I was kaise waiting. Actually, हर फिल्म के टाइम यही सवाल होता है usually. तो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. सो देखिए, डू सबसे यू पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूंगा, और अगर अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूंगा कि कोई दो फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो, लेकिन देर आर सब कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है. और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको. हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. प्रियमणि मैम, रिसेंटली यू हैड अ हिट फिल्म लाइक आर्टिकल 370 एंड नाउ यू हैव मैदान कमिंग. यू हैव बीन अवे फ्रॉम हिंदी सिनेमा लाइक फॉर लाइक इन द मिडल टाइम, बट नाउ यू आर कमिंग बैक विद लाइक बैक टू बैक फिल्म. हाउ डज इट Feels great. I'm happy. Feel very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू एनलाइटन द मीडिया. इट वॉज सईद अब्दुल रहीम हु गॉट हमारा फर्स्ट ओलंपिक जो हमने खेला था फुटबॉल. वी द प्लेयर्स वेर बेयर फुट एंड दिस कोच Abdul Rahim was a one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally, they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim saab ke ye India mein bhi tabdili hui. Kyunki aksar initial days mein jab Saeed Abdul Rahim bhi coach the, to 70 minute ke baad hamare players thak jate the. बोनी जी पूरी कहानी यही सुनाओगे कि पिक्चर भी देखने दोगे? डोंट गेट टू एक्साइटेड. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया. देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो? क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना. अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं. अजय देवगन. एब्सोल्युटली. आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने पूछा. नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था. लुक फिट सर, बट आपने रहीम साहब का किरदार निभाया और आप जानते हैं कि यू नो ही चेंज द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल. वो आर्किटेक्ट है मॉडर्न इंडियन फुटबॉल के. सो व्हाट was that कि आपने आपके preparation में what is it that you involved for this role? Actually, जब मुझे ये कहानी सुनाई गई, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे, after 83 football was lost somewhere, so I was amazed कि ऐसा हमारे देश में हुआ था and football reached that peak. And when you have a director like Amit, preparation तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपको जरूरत भी नहीं पड़ती. And sir, ये एक स्पोर्ट्स पिक्चर है, दिस इज अ बायोपिक, योर फर्स्ट स्पोर्ट्स बायोपिक एज वेल. हाउ वाज इट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द अर्लियर वंस? आई वुड कॉल दिस जस्ट अ स्पोर्ट्स फिल्म. इट्स गॉट सो मच ऑफ ड्रामा. इट्स फॉर मी इट एज एन एक्टर, इट वाज अ फिल्म विद सो मेनी लेयर्स द कैरेक्टर हैड और थिंग्स लाइक दिस. तो मैं इसे मेरे लिए, अपने लिए, आई वुडंट कॉल इट अ स्पोर्ट्स फिल्म. एंड आई वुडंट कॉल इट अ स्पोर्ट्स फिल्म ओनली बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांग इन एन इमोशनल ड्रामा अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it after a long time. I think I played a character which had so many layers, and I really, really thoroughly enjoyed it. No, but guys, I mean, Rahim Saab ka kirdar nibana is not an easy thing because main janta hu, main football pe reh chuka aur unke bare mein maine suna hai apne coaches se, ex player se, aur I mean aap ye lekar aa rahe hain. I really think ke logon ko pata chalna chahiye Rahim Saab ke bare mein, aur us time pe in sab ladkon ke bare mein jinhone jo khele hain, उनकी उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. सो व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट इट वाजंट अ वेरी इजी टास्क. एब्सोल्युटली. एंड वी कांट वेट. बट अमित, आई हैव नोन हिम फॉर क्वाइट सम टाइम एंड माय सन टीजेस मी दैट ही इज माय रियल सन एंड अर्जुन इज प्रोबेबली एन अडॉप्टेड सन. ये तेवर से चला आ रहा है, बट ऑफ कोर्स आई ही गिव्स मी ऑल द लव एज अ सन एंड आई ट्राई टू डू माय बेस्ट एज अ फादर. कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. फेलियर के बाद सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा.
नहीं बट मिस्टर अमित शर्मा अभी मेरे को आपसे सब्स्टिट्यूट्स होते तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की सच्ची कहानी आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? सॉरी पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर बेंच पर होते हैं और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये कास्टिंग इस कास्टिंग को करने में एक साल गया और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे विच वॉज वन वॉज वेरी गुड प्लेयर गुड एक्टर एंड शक्ल मिलनी चाहिए शक्ल मिलनी चाहिए इम्पॉसिबल टास्क था ये शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और यू नो जर्नैल सिंह इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकटा टू यू नो इन साउथ इन गोवा इन पंजाब इंटीरियर्स ऑफ पंजाब एंड इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर टू कास्ट एंड कास्टिंग डायरेक्टर वैभव एंटी कास्टिंग ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब लाइक अमेजिंग लाइक यू नो सुपर्ब लाइक माई टीम I want to talk about my the whole team of mine, which like you know, first Aman and Atul were sitting over here somewhere. The fact that we were in the midst of these crises, which the entire world was facing during the lockdown, we had the set standing for almost three and a half years, and we used to shoot lockdown ka jab ek window open aata tha. All the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था दोबारा लॉकडाउन शुरू ऐसे हमारे साथ तीन बार हुआ है उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस और आपको एक चीज़ बताऊँ पिक्चर जब खत्म होगी मैचेस भी हमने शूट कर लिए तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में फॉरनर्स भी दिखाने तो मैंने बोला उसका क्या इलाज यू वॉन्ट टू गो टू एवरी कंट्री तो खैर देन आर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस तो वी वेंट टू आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक ही वॉज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स सो ये भी एक तरीका है मेहनत का इट वॉज पैशन विद मेहनत बिकॉज आफ्टर द फिल्म इज कम्प्लीट होता क्या है कि सब लोग आंगड़ाई लेने शुरू करते हैं यार हो गए भी खत्म बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी सेम बस अमित इंसिस्टेड कि उधर बैंकॉक में भी हो तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की सर ऑन योर लेफ्ट सॉरी अजय सर आप ऑलवेज बीन इन अ वेरी डिफरेंट रोल जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो सर मुझे ये जानना था आपने इस रोल के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू डिड आई थिंक आई आंसर दैट क्वेश्चन जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो आई स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर बट बियॉन्ड दैट मेरे पास नरेशन से लेके प्रेपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट यस जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुँचा था तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू डू इट और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दे हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट जिस आई एम डूइंग द फिल्म ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की तो दैट सील्ड द मैटर बट इनिशियली ही वॉज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट Next question, yo. Yeah, आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी के उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो आपके हिसाब से क्या अजय जी आपसे किसे मेरे से पूछ रहे हो अजय अजय जी से क्या दिखानी चाहिए जरूर दिखानी चाहिए आई थिंक बिल्कुल आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग आल्सो लाइक दिस कि हम तो जितने ज्यादा लोग देखें उतना बेहतर है और
डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज है सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस. अब मैं बुलाना चाहूंगा